अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आदिल जावेद है। प्रोफेशन के हिसाब से मैं इंजीनियर हूँ और शक्ल के हिसाब से मैं डकैत हूँ। थैंक यू, तुम्हें भी लूटूंगा मैं इसके बाद। खैर, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा आप सबको लग रहा है। मैं माइंड नहीं करता, मैं मेरी एक फिलॉसफी है, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ। अब इस तरह की बात पर नहीं हंसना तुम्हें। तो मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं माइंड नहीं करता, मैं कहता हूँ कि लग इंसान को कुछ भी सकता है। ठीक है, मेरे बारे में ना लोगों को अजीब अजीब चीज़ें लगती हैं, और उसकी रीज़न ये है कि अभी आप देखें स्मोकर्स कितने हैं यहाँ पे, ज़रा शोर मचाएंगे, 3-4। बाकी के अम्मा अब्बा के साथ आए हुए, खुल के बताएं कितने स्मोकर्स हैं। हाँ, तो देखें स्मोकर्स ये बात समझ सकते होंगे कि आपको पता है कि अभी सिगरेट बहुत ज़्यादा महंगे हो गए रिसेंटली, और सिगरेट भी महंगे हो गए और खुले सिगरेट मिल भी नहीं रहे थे। मेरा देखें, मेरा ना इमरान खान के साथ यही एक इख्तलाफ है। मतलब मैं उन्हें कहता हूँ कि यार तुमने अपने मतलब की चीज़ें तो राणा सनाउल्ला से पकड़ ली, हमारे मतलब की चीज़ें तुम महंगी करी जा रहे। और आप देखें सिगरेट महंगे भी हो गए, खुले सिगरेट मिल भी नहीं रहे। तो मैं एक दुकान पे चला गया, मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई खुले सिगरेट मिल जाएंगे? कहता जिस तरह की आपकी शक्ल है लगे हुए सिगरेट भी मिल जाएंगे। मैंने कहा लगे हुए सिगरेट थोड़ी पीऊंगा मैं। कहता जिस तरह सिगरेट की कीमतें बढ़ रही हैं, आपकी तनख्वाह कम आ रही है, एक दिन आएगा आप सिर्फ बर्ड्स चूसा करेंगे। अच्छा, उसको लगा कि मैं गरीब हूं, मैंने माइंड नहीं किया। मैं कहता हूं कि लग कुछ भी सकता है आपको। और देखें हमारे बारे में ना इसलिए अजीब चीज़ें लगती हैं कि हमारी असल में पूरी हमारी चेहरों पे ना दहशत बहुत ज़्यादा है, वो आपको पता लग ही गया होगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे चेहरे पे, हमारी फैमिली के चेहरे पे भी बहुत ज़्यादा दहशत है, पूरी फैमिली पे ना। मतलब देखें इतनी ज़्यादा दहशत है, मेरी अम्मी के चेहरे पे इतनी ज़्यादा दहशत है कि आप उनसे दूसरी दफ़ा सालन नहीं मांग सकते। अब्बू के चेहरे पे इतनी ज़्यादा दहशत है कि अम्मी आज तक अपना हक मेहर नहीं मांग सकी। और मेरा भाई, मैं आपको बताऊं, वो जाके स्कूल में बैठता ना, कोई उसके साथ बैठ नहीं सकता। उसका दहशत का मसला नहीं है, नहाता ही नहीं है बेगैरता। ऐसा नहीं है कि सारे ही दहशत, लेकिन खैर दहशत इतनी ज्यादा, इतनी ज्यादा चेहरों पे दहशत। आप देखें हमारे घर में एक दफा डाकू आ गए, तो डाकू कंफ्यूज हो गए, उन्हें समझ ही नहीं आई कि इनकी टीम कौन सी है, हमारी टीम कौन सी है। कन्फ्यूज रहे कि यार ऑपरेसर्स कौन है और ऑपरेस्ड कौन से हैं। तो क्या कर रहे हैं कि हमारा सामान लूट लूट के हमें ही दे जा रहे हैं। मतलब अब्बू की फाइलें लूटी अम्मी को दे दी, अम्मी की शलवारें लूट के छोटे भाई को दे दी, मेरे से कुछ नहीं मिला तो मुझे गालियां दे दी। अब उन्हें लगा कि हम भी उनकी टीम है। लग इंसान को कुछ भी सकता है। आप देखें कि मेरा ये जो फलसफा है ना, ये खैर अभी जो है आप समझ रहे होंगे कि ऐसे ही कुछ चवल आदमी है यहाँ पे आके बकवास करी जा रहा है, वो भी बात ठीक है वैसे, लेकिन मेरा ये जो फलसफा है ना, ये बहुत ज़्यादा अब फैलता जा रहा दुनिया में सक्सेसफुली। मतलब आप देखें कि एक वैसे भी इंटरनेशनल एक फ़लसफा है, ईरान में ना एक बहुत मशहूर मुसन्निफ़ हैं, शायर, उनका नाम है रशीद खुंगी जी। तो वो अपने गाँव में बैठ के ना जब पाथियाँ बना रहे थे ना गोबर से, आपको पता ना पाथियाँ क्या होती हैं, पता है आपको? हाँ, ये पाथियाँ बना रहे थे गोबर से। पाथियाँ असल में हमारे मौलवी हजरात बहुत अच्छी बनाते हैं, बिकॉज इट्स अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग बुलशिट इनटू फ्यूल। तो अपने गांव में बैठ के वो पाथियाँ बना रहे थे, तो उन्होंने फारसी का एक बहुत मशहूर शेर कहा, वो बड़ा मशहूर हुआ बाद में। वो शेर ये था कि तासना गोयद पाथियम, तासना गोयद पाथियम, एक छोटियम एक मीडियम। इसका मतलब यही है, इसकी तशरीह यही है कि लग कुछ भी सकता। इसी तरह एक चाइनीज प्रोवर्ब है, अभी मुझे याद आ गई खड़े खड़े, एक चाइनीज प्रोवर्ब है, वो है माशी का चाँव शांची का पाँव। इसका भी मतलब यही है, लग कुछ भी सकता। और मैं भी देखें, मैंने एरिस्टोटल की जब बहुत सारी किताबों के ऊपर पकौड़े रख के खाए ना, तो मैं भी इसी नतीजे पे पहुंचा कि लग कुछ भी सकता है इंसान को। अच्छा, आज हमारे पास काफ़ी टाइम है, तो हम थोड़ा सा ना, मैं अपनी आपको हिस्ट्री बता दूं थोड़ी सी।
वैसे तो मैं अब थोड़ा सा, जब से मैंने स्टैंड अप कॉमेडी शुरू की, मैं थोड़ा सा मशहूर हो गया हूँ, मतलब मुझे थोड़ा सा लोग जानने लगे हैं। एक बंदा मेरे पास आया, कहता भाई आप तो बहुत मशहूर आदमी है। मैंने कहा जी किस तरह? कहता मैंने आपको इंस्टाग्राम पे ढूंढा, आप उधर मिल गए, मैंने फेसबुक पे ढूंढा, आप उधर मिल गए, मैंने गूगल पे ढूंढा, आप उधर मिल गए। मैं कहा गूगल पे कैसे मिल गया भाई? कहता मैंने लिखा थर्ड डिग्री बर्न केस तो आपकी तस्वीर आ रही थी। तो खैर मैं, वो तो है ही, लेकिन मैं आपको अपनी हिस्ट्री थोड़े सा बता दूं कि मैं जब, ये तो अब मेरे हालात थोड़े से ख़राब हो गए, मैं जब पैदा हुआ था ना तो मैं बहुत एक क्यूट मार्शमेलो टाइप का आदमी था, बच्चा, हाँ जॉनी डेप टाइप, चॉकलेट डेप टाइप, चल जो मर्जी तू कही जा। तो मैं इतना क्यूट आदमी था कि आप देखें कि मेरी जो इंजीनियर थी ना, मेरी दाई, हाँ हाँ दाइयाँ भी इंजीनियर होती हैं, तो मेरी जो इंजीनियर थी ना, मेरी दाई, वो मेरी माँ के पास आई और मुझे कहती हैं कि जी बेटा हुआ कुछ दें। मेरी अम्मा ने ना पहले प्रोडक्ट देखा, फिर दाई की तरफ देखा। अम्मा ने उसको कोई 3 किलो चीनी दी और 1.5 घंटे बाद दुआएं दी, तो वो बड़ी परेशान है। मैंने अपनी अम्मी से पूछा, मैंने कहा अम्मी आपने ऐसा क्यों किया दाई के साथ? अम्मी कहती बेटा पता नहीं, जब तुम असल में पैदा हुए ना तो हमें ऐसे लगा कि तुम लगे हुए हो। मैंने कहा लगे हुए का क्या मतलब? कहती जिस तरह सालन नहीं लगा होता। मैं कहा हाँ अम्मी लग तो कुछ भी सकता है वैसे। अच्छा कोई इंजीनियर्स हैं यहाँ पे? अच्छा माशाल्लाह 4-5 ही। मैकेनिकल इंजीनियर है कोई? अच्छा चलें दफा कराएं बात, कोई बंदा ही नहीं है अब यहाँ पे। तो खैर मैं इंजीनियर था और मुझे नौकरी ढूंढने में बड़ा मसला हुआ बाद में ना। इंजीनियर मैंने अपनी तस्वीर लगाना शुरू की सीवी के ऊपर, मैंने लोगों को भेजता था, मुझे कोई इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाता था। मतलब मेरी तस्वीर देख के वो कहते थे कि इससे ना शायद हमारी माएँ बहनें महफूज नहीं। मैंने बड़ा अरसा ये किया, 2-3 दफ़ा मैंने ये भी ट्राई किया कि मैंने हनान की तस्वीर लगा के भेजना शुरू कर दी। वो बीमार हैं थोड़े से, यानी वाकई में बीमार। अच्छा तो मैंने बड़ा सा ये करना शुरू कर दिया, मैंने अपनी सीवी पे ना हनान की तस्वीर लगा के भेजना शुरू कर दी। मुझे इंटरव्यू की कॉल आ गई, मुझे बुला के मुझे कहते हैं कि भाई ये आपकी तस्वीर तो नहीं है? मैं कहा नहीं नहीं मेरी है, मुझे बाहर धूप में खड़ा करें, मैं चमकता हूँ। वो कहते हैं हरामी धूप में खड़े होगी तो तेरा ये हाल हुआ। तो खैर मैंने अपनी अम्मी के पास गया, मैंने कहा अम्मी मैंने सीवी पे कोई तस्वीर लगानी है, तो मुझे कोई ऐसी तस्वीर है जिसमें मैं बहुत ज़्यादा क्यूट लगाऊँ? अम्मी ने कहा हाँ बेटा एक तस्वीर है। अम्मी भाग के गई अपने ट्रंक में और वहाँ से जाके अपने अल्ट्रासाउंड की तस्वीर निकाल लें। कहती बेटा यहाँ पे तुम बहुत क्यूट लगे थे, इसके बाद नहीं लगे। अच्छा आप में से मैरिड लोग कितने हैं? नाइस। क्या हो गया सर, खुशका चल रहा है? मैरिड कितने लोग हैं हाथ? ओके। और हैप्पीली मैरिड कितने हैं? नहीं 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 महबूब साहब इस तरह आप जलील ना करें हमें। इतने आप हैप्पीली मैरिड होते तो खुश होने के लिए हम जैसे चूतियों को देख रहे होते। अपनी अपनी जिंदगी में, अपनी जिंदगी में खुशियां लेके आए, हम कब तक ये काम करते रहेंगे? तो मुझे किसी ने पूछा, मुझे किसी ने पूछा कि यार तुम 1-sided सिंगल हो या 2-sided सिंगल? मैंने कहा मैं हर साइड से सिंगल हूँ, बल्कि फ्रंट साइड से एक्सीडेंटल हूँ। अच्छा मैं ना बहुत अरसे से सिंगल रह रहा हूँ, बहुत अरसे से, तो मेरी बड़ी रिसर्च है इस काम में। अच्छा सिंगल आदमी कितने लोग सिंगल हैं यहाँ पे? आप ही सिंगल हैं? आप वैसे मैंने शक्ल देख के बता दिया था कि आप सिंगल। खैर आपका नाम क्या? सॉरी अली। ये अली से ना जितनी भी मेरी बहनें आई हुई हैं ना, बच के रहना यार, अल्लाह माफ़ करे। ये सिंगल आदमी ना हर इवेंट पर जाएंगे, हर जगह पहुंच जाते हैं, और फिर उसके बाद ना ये इतने ख़तरनाक हैं, इतने ख़तरनाक हैं कि आप सारी लड़कियां बच के रहना, ये बाद में इतनी ज़ोर से फ्रेंड रिक्वेस्ट मारते हैं ना, तो इनकी पता नहीं, मुझे तो इनकी लॉजिक भी समझ नहीं आती कि इवेंट पे लड़की को देखा, फेस लॉक कर लिया, जाके फेसबुक पे ढूंढ भी लेते हैं और फिर उसको मैसेज कर रहे होते हैं कि हाय वी मेट एट द शो। और मेरा कंसर्न ना सिर्फ ये है कि अली भाई थोड़े से दिखने में भी ठीक हैं, आप में से अगर कोई इनके साथ फंस गई तो मुझे ज़्यादा बुरा लगेगा। अच्छा मैं इतना ज़्यादा सिंगल हूँ ना, सिंगल आदमी ना सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है,
नहीं नहीं क्या मतलब, जो आप समझ रहे हैं वो बात भी ठीक है, लेकिन मैं वो बात कर नहीं रहा। सिंगल आदमी ना सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है, मतलब मैं इतना सेल्फ सफिशिएंट हो गया हूँ अब, इन्होंने तो नहीं छोड़ना मैं थोड़ा सा आगे आ जाऊँ। अच्छा, मैं इतना ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट हो गया हूँ कि मैं ना अपने आप से बातें करना शुरू कर देता हूँ। मतलब मैं शाम को ऑफिस से आऊँगा ना घर, तो मैं अपने आप को ही कह रहा होता हूँ कि चाय पियेंगे आप। दिन कैसा गुजरा और क्या होता, थक तो नहीं गए? तो मैं अपने आप को फिर जवाब दे रहा होता हूँ कि हाँ पीऊँगा। भाई ऐसा कर, तू मेरे साथ ही आ जा, बैठ जा इधर, वाह का वास्ता है। तो मैं अपने आप को ही ना कह रहा होता हूँ कि यार हाँ पीऊँगा, फिर वापस जाके ना किचन की तरफ, फिर अपने आप को कह रहा होता हूँ कि चीनी एक चम्मच के दो चम्मच, फिर इधर वापस आके कह रहा होता हूँ कि नहीं नहीं एक ही डाल दो, कल भी तुमने दो डाली थी, मेरे पे कीड़ियाँ चढ़ गई थी। तो मैंने अपने आप को रोमांटिकली एक्सप्लोर किया, तब भी मुझे पता चला कि मैं घटिया आदमी हूं। लेकिन ना मैंने इतना ज्यादा सिंगल रह लिया जिंदगी में कि अब ना मुझे दो चीजें इकट्ठी पसंद ही नहीं। यार तू कहां से सोचता है, तेरा दिमाग मेरा ख्याल है कहीं और है। तो खैर मुझे ना दो चीजें इकट्ठी पसंद ही नहीं। कोई मुझे कहे ना कि यार ये दो घूंट पानी है पी लो, मैं नहीं पीता। कोई मुझे कहे ना कि यार ये दो गोलियां इकट्ठी खा लो, मैं कहता मैं नहीं। कोई मुझे कहे जी ये नाले को दो गिरें बांधो, मैं कहूँ एक बांधूंगा। तो दो चीजें मुझे इकट्ठी पसंद ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं आती। मतलब आप देखें, मैंने अपार्टमेंट लिया, उसके ताले की चाबी थी, तो वो ताला मैंने खरीदा तो उसने मुझे दो चाबियां दे दी। मैंने कहा पागल आदमी, मेरे साथ किसने रहना है। मैंने एक चाबी फेंक दी, एक ही चाबी मेरे पास थी, मैं जिंदगी अपनी गुजार रहा था। एक दिन हुआ ये कि वो चाबी भी घूम गई। अब मैं दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ कि अब क्या करूँ, दीवार फलांग के अंदर गया हूँ और दरवाजा खोल के अपने आप को ही कह रहा हूँ आप आ गए। अच्छा सिंगल तो ठीक है, मैं अब जाहिर है मैं कुछ कर नहीं सकता इस बात में, लेकिन ना मैंने कोशिश भी की, मैं डेट शेट पे भी गया हूँ। कोई गया कभी आपने यहाँ से? ओए अल्लाह माफ करे, ओए झूठो यार, बता दें यार, कोई इसमें इतना बड़ा मसला नहीं है। ये तो वो वाली अवाम है कि जेब में मोबाइल रख के ना टिंडर देख रहे होते हैं। यार मान जाओ भाई, अगर डेटिंग करते हो, देखो मैं मानता हूँ मैं डेटिंग करता हूँ, तारीख हाँ, तो मैं डेट पे चला गया। अब ये देखें, ये तो रेस्टोरेंट थोड़ा सा ज़ाहिर है इनका मेन्यू आसान है, हम मिडिल क्लास लोगों के लिए ना रेस्टोरेंट के मेन्यूज़ ही बहुत मुख्तलिफ हैं। तो मेरा सलाम कहना इसको, ये जो भी है मैडम, इसको मेरा सलाम कह देना, क्योंकि वो इंतज़ार नहीं ना कर सकती, मैं तो इधर ही हूँ। हाँ मुझे कर ऐसा करें, नंबर दे दें। गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन है ना, मेरे लिए तो खजाना हो गया वो पूरा। तो मैं डेटिंग थोड़ी बहुत की मैंने, ठीक है, मेन्यू इतना मुश्किल है, ऊपर से रेस्टोरेंट के जो वेटर्स होते हैं ना वो भी हमारी तरह के बेचारे सादे मिडिल क्लास आदमी। अच्छा मैं गया हूँ, मैंने मेन्यू देखा, मैंने वेटर से पूछा, मैंने कहा यार ये ना वहाँ पे रैप्स थे, मैंने कहा ये क्या है, एक चिकन, एक का नाम चिकन रैप और एक का नाम चिकन शिपाटा रैप। मैंने कहा ये शिपाटा क्या है, कहता सर इसके अंदर ना चिली सॉस होती है। मैंने कहा तो सिंपल सिंपल लिख दे कि यार चिली सॉस होती है, ये शिपाटा क्या है कि मेरे साथ शिट्यापा क्यों कर रहा है। तो मुझे समझ ही नहीं, अब लड़की सामने बैठी, मैंने कहा इस तरह फड्डा नहीं करना चाहिए। मैंने ना उसको कान में पूछा, मैंने कहा मेरी बात सुन, ये मोल्टन लावा कैसा होता है। आगे से मेरे कान में कहता है सर बड़ा गर्म होता। मैं फंस गया, मैंने कहा क्या ऑर्डर करूं। फिर हमने वही तरीका इस्तेमाल किया जो मिडिल क्लास लोग ना हर जगह इस्तेमाल करते हैं, आपका स्पेशल क्या है। मैं कहा सबसे अच्छा क्या बना हुआ है, कहता सर मेरी अम्मी ने आलू मटर बना के भेजे हैं बहुत अच्छे। मैं कहा ले आ। मसला ये हुआ कि वो टिफिन लंच बॉक्स के साथ ही ले आया। अब लड़की को पता चला कि ये वेटर का लंच बॉक्स खा रहा है, उसने साथ ही फ़ोन निकाल लिया।
मैंने उसको पूछा, मैंने कहा क्या हुआ, उबर मंगाने लगी हो? कहती नहीं, उबर बाद में मंगाऊंगी, पहले तो मैं ब्लॉक कर रही हूँ चूतिए। तो ये बहुत मुश्किल चीजें हमारे लिए। कोई गुजरांवाला से है यहाँ पे? ओ यार कुछ नहीं कहता मर्द बन, है कोई गुजरांवाला से? अच्छा वो भाई माशाल्लाह। और चलें खैर, ये मैं आपको एक बाद में बात सुनाता हूँ। आपको पता है कि लोगों के ऊपर उनकी गुट्टी का बड़ा असर होता है, समझ रहे हैं? वो जो गुट्टी उनको मिलती है ना बचपन में, आपके तो माशाल्लाह 7-8 बच्चे होंगे, हैं कितने? 2 घर रहेंगे तो और होंगे ना, इधर आप कॉमेडी शोज अटेंड कर रहे हैं। तो बच्चों पे ना, बच्चा जब पैदा होता है उसको गुट्टी देते हैं, उस गुट्टी का बच्चे पे बड़ा असर होता है, ठीक है? ये हमारे एक परसेप्शन है लोगों में ना। तो वो गुट्टी जो है ना लोगों को मिलती, किसी को शहद इम्पोर्टेड शहद की, किसी को छोटी मक्खी का शहद, बड़ी मक्खी का शहद। और बच्चे भी फिर जाहिर है कि थोड़े बर्गर बच्चे होते हैं बड़े होके। मतलब मैं अभी डेवो में आ रहा था, उस दिन पिछली सीट पे एक बच्चा बैठा हुआ, तो अपनी माँ को अंग्रेजी में कह रहा, 2 साल का बच्चा, माँ को अंग्रेजी में कह रहा, मामा माई फ्रेंड्स एट स्कूल डोंट लाइक मी। मैं कहा ये पंजाबियों का बच्चा होता तो वो कहता कि माँ मेरी ना असलम ना लड़ाई हुई, मैं उधर से थोक सोट के आया। यार किस किस्म के बच्चे आप पैदा कर रहे हैं? अब ये वो बच्चे हैं जिनको इंपोर्टेड गुर्तियां, इंपोर्टेड खुराकें, सारा कुछ इंपोर्टेड चल रहा है इनका। अब मैं जब आपको बताऊं, मैं जब पैदा हुआ मुझे गुड्डी दी मेरे तायाबू ने, और मेरे तायाबू ना सिगरेट बहुत ज्यादा पीते थे, तो उन्होंने ना सिगरेट पीने गए, सिगरेट पी के वापस आए, जल्दी जल्दी में मुझे ऐसे दुकान से धूप निकाल के ऐसे जुबान पे लगा दिया। और नई किस्म की गुट्टी, कहते हैं जी टंग टू टंग गुर्ती होती है। अच्छा बच्चों पे ना, बच्चों पे उनके नाम का भी बहुत असर होता है, नाम का बहुत असर होता है। मतलब मैं आपका नाम क्या? आपको ही कह रहा हूँ मैं, सिर्फ उनसे बातें करने नहीं आया, वो बाद में कुछ गलत समझ जाए मेरे बारे में। आपका नाम क्या? हसान। हसान का मतलब क्या होता? अल्लाह माफ कर। खूबसूरत तो पता नहीं आप हैं कि नहीं, लेकिन आपका जुगाड़ बहुत अच्छा लगा हुआ है। तो बच्चों के नामों का ना बड़ा फर्क पड़ता है। मतलब मैं एक शो के बाद ना बाहर निकल के खड़ा हुआ हूँ, तो एक बच्चा 2 साल का बच्चा ऐसे हाथ बांध के खड़ा हुआ है और स्विमिंग पूल के सामने पानी को देख रहा है गौर से, 2 साल का बच्चा। मैं उसके पास जाके खड़ा हो गया, थोड़ी देर में उसकी माँ ही मुझे कहती है, ये ना अजीब सा है। मैंने कहा जी क्या हुआ है? कहती सारे बच्चे खेलते हैं और ये यहाँ पे खड़ा अपनी सोचों में गुम है, पानी को देख रहा है। मैंने कहा इसका नाम क्या है? कहती गालिब। मैंने कहा आप शुक्र करें कि ये शराब का गिलास पकड़ के नहीं खड़ा हुआ है। गुजरांवाला कौन है? गुजरांवाला से? अच्छा आप है माशाल्लाह। अच्छा गुजरांवाला, मैं खुद भी गुजरांवाला से हूँ, और मैंने सुना है कि जो रेस्टोरेंट के ओनर हैं ये भी गुजरांवाला से, ठीक है? तो हमें ना गुजरांवाला के लोग, हम लोगों की ना फूड ऑब्सेशन होती है, ठीक है? खाने के मामले में हम पागल हो जाते हैं, रोटी जहाँ मिले हम पागल। मतलब आप देखें, अगर गुजरा, अगर खाने के ऊपर डिग्रियां मिलती होती ना तो गुजरांवाला के सारे लोग डॉक्टर होते, डॉक्टर पोमी भट्ट, ठीक है? नाम उनके सारे इस तरह के हैं। तो गुजरांवाला में फूड की ना इतनी ऑब्सेशन है कि मेरे हमारे घर में आप सोचें कि हम लोग सारी फैमिली, आपको पता है मनाल पे आप जाओ फूड वेस्ट ना करो तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है, हमारी फैमिली खाने गई हमें 40% डिस्काउंट मिला। मतलब हमने अपनी टेबल का भी नहीं वेस्ट होने दिया, 3 और टेबलों का भी नहीं वेस्ट होने दिया। और उसके अलावा ना हमारी, हम लोग अगर छत पे चिड़ियों को बाजरा भी डाले ना तो हम लोग सारी फैमिली ऐसे कट्ठे होकर ना ऐसे खड़े हो जाते हैं, परिंदों को कह रहे होते हैं कि 20 मिनट हैं, तुमने खा लिया तो खा लिया, नहीं तो हम तो खा ही लेंगे। हमारी लड़कियों को, हमारी लड़कियां भी मुख्तलिफ हैं। आप लड़कियाँ होती हैं ना, आप लोग मेहंदी से फूल छूल बनाती हैं और फिर आपको लगता है कि अगर उसका रंग अच्छा चढ़ गया तो हमारा हस्बैंड बाहर मुँह नहीं मारेगा, ऐसा आपको लगता है? लग तो कुछ भी सकता है, वो मुंह मारेगा, वो अकेला कॉमेडी शोज में आएगा। तो वहां पे
लड़कियां फूल फूल बनाती हैं, हम कुछ लड़कियां होती सिर्फ एक टिक्की बनाती हैं गोल सी मेहंदी से, हमारी गुजरांवाला की लड़कियां मेहंदी से भी नान टिक्की बना रही होती हैं, ये नान बना दिया टिक्की बना दी साथ तेल लगा दिए। और आप सोचें कि हमारे वहाँ पे ना रूल है, हम कहते हैं ये भाई मेरी बात मान जाएंगे, हमारे वहाँ पे रूल है, हम कहते हैं कि यार खाने को ना वेस्ट नहीं करना, मतलब हमारे घर में ये रूल है कि अगर आपने खाना खा लिया तो 4 घंटे तक आप वॉशरूम नहीं जा सकते। उसके पीछे साइंस ये है कि खाना खाया तो अब इसको लगने दो, क्योंकि और हमारे वो जो भाई पीछे बैठे ना, आप सोचें कि इन्होंने एंड पे सीट क्यों ली, ये आपने किसी ने सोचा है? क्योंकि गुजरांवाला के लोग इनडिफरेंट होते हैं, क्योंकि इनकी ना पैदाइश ही मुख्तलिफ है। आप सबका पैदाइश का प्रोसेस नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल बच्चों की तरह आप हॉस्पिटल में अच्छे तरीके से पैदा हुए, ठीक है, इनकी पैदाइश का प्रोसेस ही मुख्तलिफ। और उसकी रीज़न ये है कि इन लोगों को ना जब ये डिलीवरी के टाइम पे ये लोग अंदर ही रहते हैं, बाहर ही नहीं आते, और इन्हें होता है कि यार पता नहीं बाहर खाना मिलना है कि नहीं मिलना, अंदर से माँ को तो खाई जाओ ना। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि ये गंदा जोक है, लग कुछ भी सकता है। तो हमारे वहाँ के डॉक्टर्स ने एक तरीका निकाला हुआ है, वो क्या करते हैं कि बर्थ बेड के ऊपर 3 नान रखते हैं, बच्चा बाहर निकल के पहला नान पकड़ता है, दूसरा नान पकड़ता है, तीसरे नान पे डॉक्टर पकड़ लेता है कि बेटा। गाइज थैंक यू सो मच, यू गाइज वर अमेजिंग, थैंक यू सो मच। कमाल की ऑडियंस मिली है आज हमें, तो एक दफा आप जोर से अपने लिए तालियां बजा दें। और हमारी होस्ट किधर रह गई? थैंक यू सो मच गाइज, दिस वॉज आदिल जावेद, एंड फॉलो कॉमेडी स्क्वेयर पाकिस्तान, और हमारे शोज होते रहते हैं, आप उसमें आते रहें, एंड आई लव यू ऑल। ओह माय गॉड, इतना प्यार, इतनी जल्दी प्यार हो गया ऑडियंस से? आई हाय, ओके, दैट्स गुड टू नो, दैट्स गुड टू नो। Okay, so yeah, that was our show for the evening. Thank you guys so much for joining us, and I hope you guys really enjoyed the appetizers, and mahol kafi fit raha hai, and yeah, I really enjoyed it. Did you guys have a good time? Main phir se pooch lu, did you guys have a good time? Yaar ab awaaz nikli hai. Great, that's wonderful. Chalein, that's all from my side. Thank you guys so much for coming, and feel free to follow us on our YouTube page at city2.tv. You guys will be able to view this all online, and feel free to visit Tangelo's for further food to your fuel. So yeah, thank you guys so much. Have a great evening. Allah Hafiz.